बच्चों वेलकम बैक। बच्चों आज हम आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवीजन सीरीज हमारे क्लास 9th के मैथमेटिक्स और साइंस के चैप्टर की। तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर से। ओके, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, देखो ये चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो अब हम इन्हें अच्छे से, क्योंकि जो बच्चे लास्ट मोमेंट पे आए हमारे पास तो उनका स्टार्टिंग का कवर नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए हम ये ऑनलाइन वीडियोस बना रहे हैं और जो बाकी बच्चे हैं वो भी इसे देखें ताकि उनको पुराना रिवाइज हो जाए अच्छे से, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही, मतलब मैं गारंटी देता हूं कि आपको इस एक वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पता चल जाएगा, कहीं इधर उधर से नहीं देखना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स बिगिन, इस चैप्टर को देखते हैं और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सब देखते हैं अच्छे से। चैप्टर का नाम है मैटर इन अराउंड सराउंडिंग्स और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th के साइंस का। ओके, तो देखो बच्चों ओवरऑल देखो जो हमारा एनवायरनमेंट है, आपने कभी सोचा है किन चीजों से मिलके बना है, कैसे बना है? जैसे कि हमारे पास हमारी कॉपी है या अलग अलग चीजों से मिलके बनी है, हमारी वाटर बॉटल है, इसके अंदर पानी है या हवा है, ठीक है, हम लोग खुद हैं, तो हम कैसे बने? ओके, तो देखो बच्चों साइंटिस्टों ने सोचा और बोला क्या, हर चीज छोटे छोटे चीजों से मिलके बनी है, ठीक है ना, मतलब, और वो छोटी छोटी चीज को हमने बोला मैटर। क्या मैटर? आप सोच रहे होंगे कि भैया हमने तो एटम पढ़ा था, देखो ये आगे वाले चैप्टर में हम जाके पढ़ेंगे कि जो मैटर है वो खुद एक एटम है, ठीक है ना, समझ पा रहे ना, एटम से मैटर बना है। ओके, और एटम भी एक मैटर है। ओके, तो कंफ्यूज हुए बिना चलो स्टार्ट करते हैं कि ये जो दुनिया बनी है ये मैटर से बनी है, और मेन चीज क्या है, मैटर कोई कंटिन्यूअस चीज नहीं है कि यहां से लेकर वहां तक, मैटर पार्टिकल्स है। क्या पार्टिकल्स? मतलब चीजें अलग अलग है, सब कुछ आपस में फिक्स नहीं है, गैप है सबके बीच। ओके, सो हम लिख सकते हैं Our universe is made up of matter. Our universe is made up of matter, समझ गए? अब इसमें आती है फिर क्या है कि मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब हम लिखेंगे मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, पहले उसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। आप कोई पूछ लेगा कि वॉट इज मैटर बच्चा पार्टी, तो आप लिखोगे मैटर is anything which has mass, मतलब जिसका कुछ वजन हो, ठीक है ना, मतलब वो कुछ भारी हो। matter is anything which has mass and occupies some volume. देखो occupies some volume का मतलब क्या है, कि उसका कुछ mass हो वजन और उसका वो कुछ जगह घेर रहा हो, occupies some volume, मतलब देखो अगर कोई चीज है तो उसे रखने के लिए जगह तो चाहिए, भले वो कितने से छोटी चीज हो, भले एक रेत का कण है उसे भी तो रखने के लिए उतनी जगह चाहिए ही ना। ओके, क्लियर है? तो उसका मास भी है और उसका वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम कंटेन कर रहा है। ओके, तो मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम वॉल्यूम, तो ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। ओके, फिर आता है मेन चीज एग्जाम में, इसका आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, लिखो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो प्यारे बच्चों देखो जो आप यहाँ पे देख रहे हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर लिखा है हमने, इसका मतलब होता है कि मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहली चीज तो हमें लिखना है कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, और इमेजिन करो एक्चुअल में क्या होता है कि जो ये मैटर के पार्टिकल्स है ना रेस्ट में नहीं है, रेंडमली मूव कर रहे हैं, मतलब कि ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ पे बहुत सारी चलते हैं बलून से और वो बस हवा चल रही है उसमें, वो सब इधर उधर ठुक रहे हैं ऐसे ऐसे रूम के अंदर ऐसे रैंडमली, मतलब एक दूसरे पे फेंक रहे हैं, ठीक है ना। सेम उसी तरीके से जो पार्टिकल्स होते हैं ये रैंडमली मूव कर रहे हैं। ओके, क्लियर है बात, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। और दूसरी चीज क्या है, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स है जो उन पार्टिकल्स को पास ला रही है, समझ पा रहे हो, मतलब उनके बीच में एक फोर्स है जो उन्हें पास सिकड़ो है, मतलब जो उन्हें पास लाना चाहती है। ओके, तो उसे हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। और एक चीज क्या है कि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस है, मतलब कि ऐसा नहीं कि सारे पार्टिकल्स आपस में चिपके हुए हैं, कुछ के बीच में गैप भी है, कुछ दूर है कुछ पास है, तो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस है। ओके, तो हम ये चीजें लिखते हैं। चलो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर मतलब स्पेस मतलब उनके बीच में जगह है, ठीक है ना। अगला पार्टिकल्स ऑफ मैटर, स्पीड बढ़ाते हैं हम भी, आप भी लोग स्पीड बढ़ाओ, समय कम है हमारे पास। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज इंटरमोलिकुलर स्पेस हो गया ना, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस,
पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, जैसे बलून रूम में बहुत सारी इधर उधर मूव कर रहे हैं ऐसे टेढ़े मेढ़े, मतलब लोग बच्चे इधर उधर फेंक रहे हैं, तो आर कंटिन्यूअसली मूविंग या कंटिन्यूअसली इन मोशन, ठीक है ना, कंटिन्यूअसली इन रैंडम मोशन लिख लेते हैं। रैंडम मतलब है कि बस कुछ भी है, कभी इधर कभी उधर, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इधर से इधर ही आया इधर से इधर, ठीक है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए मैटर की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, हम थोड़ा सा चाहे तो बेटर कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, उनके बीच में जगह है, उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, और वो कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन में है। ओके, क्लियर है बात। तो चलो अब इसके बाद चलते हैं कि मैटर किन किन स्टेट्स में रह सकता है, दैट इज फेजेस ऑफ मैटर। ओके, तो चलो इसे क्लीन करते हैं, नोट कर लो आप लोग अच्छे से, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी अच्छी हो, और अगर आपको कोई चीज में दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए हमें, ठीक है ना, ताकि हम उसको रेक्टिफाई कर सके, मतलब आपको सही चीज बता सके क्या दिक्कत है और क्या है उसका सॉल्यूशन निकाल सके। ओके, तो चलो इसके आगे चलते हैं, हम लिखेंगे अब स्टेट्स ऑफ मैटर की, जो मैटर है किन किन स्टेट्स में पाया जाता है। स्टेट्स ऑफ फेज का एक ही मतलब है यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे देखो बच्चों, हमारे मार्कर है इस सॉलिड स्टेट में, समझ पा रहे हो, सॉलिड, ओके बढ़िया। हमारी वाटर बॉटल के अंदर पानी है, देख रहे हो ना, ये हिल रहा है इसके अंदर, ये क्या है, लिक्विड स्टेट में। और जहां पे मैं हवा ले रहा हूँ, यहाँ से सांस ले पा रहा हूँ, हम जिंदा है, एयर, ये कौन सी है, गैसियस स्टेट में। ओके, तो देखो जो मैटर है ये इन स्टेट्स में अवेलेबल है, ओके, अलग अलग स्टेट्स में। अभी आपके लिए तीन है, बड़ी क्लासेस में आओगे तो हम और भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए तीन से काम चलाते हैं, ठीक है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि तीन स्टेट्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। अब उनके नाम लिख लेते हैं, सबसे पहला जिन्हें आप जानते ही अच्छे से, सॉलिड, फिर लिक्विड मतलब हमारा पानी, गीली चीजें, और फिर गैस, ठीक है ना। तो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ओके। तो देखो बच्चों, मेन चीज आती है ना, मुझे लगता है कि आएगी परमानेंट, हर बार आती है और काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बीच में डिफरेंसेस, ठीक है ना, कि इन डिफरेंट मतलब इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर, ये सारे स्टेट्स ऑफ मैटर ही हैं, ठीक है, बट इनके बीच में इनकी क्या डिफरेंसेस है, इनके बीच में क्या है, इनमें फर्क, ओके। तो देखो ये तो आप बिना पढ़े भी बता सकते हो, क्योंकि बच्चों आपको पहले से बताया ना, साइंस किस चीज की स्टडी है, हमारे नेचर की, जिसे आप पहले से देखते आ रहे हो। देखो जैसे सॉलिड में है, देखो ये क्या है, स्ट्रांग है, मैं इसके अंदर से हाथ अपना आर पार नहीं ले जा सकता, ठीक है ना, कुंग-फू चैंपियन बनना पड़ेगा, ओके बन जाएंगे, ठीक है। तो ये सॉलिड है, मतलब इसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही क्लोज क्लोज है, तो मैं उनके बीच में तोड़ नहीं पा रहा हूँ, मतलब इनके बीच में जो फोर्स है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो बहुत ही स्ट्रांग है, क्लियर है बात। और वहीं पे देखो पानी के अंदर से अगर मैं हाथ, हम पानी की बाल्टी में पानी भर के हाथ चलाए तो चल जाता है ना, थोड़ा सा लगता है हाथ में फोर्स लग रही है, लेकिन चला जाता है, क्योंकि जो पानी के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो कम है, क्लियर है बात। और वही एयर में तो देखो बस ऐसे हम लहरा रहे हैं, कुछ भी कोई लगता ही नहीं कुछ हो रहा है, क्योंकि एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ही वीक है, बहुत ही ज्यादा वीक, ठीक है। और एक चीज यही आ गई कि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास है, तो इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम है, एयर में बहुत ज्यादा है और पानी में ज्यादा है, लेकिन इतना एयर जितना ज्यादा भी नहीं है, ओके। सॉलिड फ्लो नहीं करते, देखो ये सिंपल सी बात है, इसके अंदर का पानी बह रहा है, ठीक है, फ्लो कर रहा है, लेकिन क्या बॉटल बह रही है, क्या नहीं बह रही ना, ठीक है ना। और वही जो सॉलिड होता है ये भी नहीं बहता, ठीक है, क्लियर है बात। एयर बह सकती है, एयर फ्लो करती है, और लिक्विड भी फ्लो करता है, ओके। उसके बाद देखो क्या चीज है, एक चीज कि आपका क्या होता है, डेंसिटी, हम आगे पढ़ेंगे डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी का फॉर्मूला तो आपका ये है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितना मास है उसके अंदर, कितना सब्सटेंस का वजन, और उसका कितनी जगह उसने घेरी है उससे डिवाइड कर देते हैं, वॉल्यूम पता है ना आपको, ठीक है। तो वो अभी हम देखेंगे, तो डेंसिटी जो होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ये सॉलिड्स की सबसे ज्यादा होती है, फिर उससे कम लिक्विड की, मतलब लिक्विड हमारा यही, और सबसे कम डेंसिटी होती है हमारी गैसेस की, क्लियर रहेगा ना बच्चों। आई होप कि डाउट्स, मतलब जो हमने पॉइंट डिस्कस करे एकदम क्रिस्टल क्लियर है आपको, और कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइए, ओके। तो लिखते हैं सॉलिड में, जैसे मैंने बताया, चलो मैं डायग्राम के थ्रू बता दूं, देखो ये मतलब ये मान लो ये पार्टिकल्स हैं सॉलिड्स के, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये काफी फिक्स्ड है आपस में, ठीक है ना, मतलब
इनके बीच में स्पेस बहुत कम है और ये काफी टाइटली फिक्स्ड है। वहीं लिक्विड में क्या होता है, जैसे एक कंटेनर बनाया मैंने, तो इसके अंदर जो लिक्विड है इसमें क्या है, चीजें हैं लेकिन थोड़ी सी फ्री हैं, इनके बीच में स्पेस ज्यादा है। और वहीं गैसेज है, गैसेस तो भाई कहीं यहाँ कभी कोई वहां कोई यहाँ, मतलब बहुत ही कम। ठीक है ना बात, ठीक है क्लियर। ओके तो देखो अब हम बात करते हैं। चलो सबसे पहले देखो, आपको देख के ही पता चल गया इसका डायग्राम में कि क्या इनके बीच में वेरी लेस इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, वेरी लेस इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, या फोर्स भी ले सकते हैं, नहीं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ही पहले लिख लेते हैं क्योंकि फोर्स तो ज्यादा होती है। ठीक है, इनके बीच में जो स्पेस है बहुत ही कम है, क्या स्पेस बहुत ही कम है, तो दे हैव वेरी लेस इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, ये स्पेस मतलब इनके बीच में गैप बहुत कम कम है। ठीक है, और इतना गैप कम क्यों है बच्चों, आप सोच सकते हो, इतना कम इसलिए है क्योंकि इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा है, समझ गए ना, वेरी हाई इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्लियर रहेगा बच्चों, आई होप बहुत ही अच्छे से क्लियर रहेगा, वेरी हाई इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनको आपस में जोड़े रखने के लिए बहुत ताकत से चिपके हुए हैं, जैसे चुंबक चिपके हुए हैं, ठीक है ना। ओके और अगला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। देखो बच्चों, देव डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब क्या है, देखो मतलब उसका कितना साइज है वो फिक्स है, जैसे कि बॉटल ही लो, मैं पानी की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं सॉलिड की बात कर रहा हूँ, ये जितनी जगह यहाँ घेर रहा है कहीं और लेकर जाऊंगा उतनी जगह घेरेगा, मतलब ये फिक्स है इसका वॉल्यूम। ठीक है, वैसे तो इसके अंदर जो पानी है उसका वॉल्यूम भी फिक्स है, क्योंकि देखो पानी यहाँ तक है तो ऐसा थोड़ी ना अपने आप यहाँ तक चला जाएगा, तो वॉल्यूम फिक्स होता है, बट गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। क्यों, देखो अगर धूपबत्ती कहीं कोने में जल रही है रूम के, आपने पूजा करी और थोड़ी देर में आप क्या देखोगे कि वो पूरे रूम के अंदर भर चुकी होगी, भले ही धूपबत्ती इतनी छोटी सी होती है उसमें से बहुत कम ही धुआं निकले, फिर भी खुशबू फैल जाती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे एरिया को कवर कर सकते हैं, तो उसका कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं है इतना जगह कि इतने ही जगह में रहोगे। बॉटल का तो फिक्स है ना, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती, पानी का भी फिक्स है कि उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, बट यहाँ पे अगर मैं धुआं कर दूं तो पूरा रूम भर देगा। ओके समझ गए ना, तो दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम और they are not compressible। देखो बच्चों compressible से मतलब क्या है, compressible का मतलब होता है कि हम किसी चीज को पिचका पाए, तो जो सॉलिड है वो क्या है, they are not, मतलब इन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब जैसे ये मार्कर है मैं ऐसे पिचका के इसे और छोटा नहीं कर सकता क्योंकि सॉलिड है, बट ये देखो ये स्पॉन्ज टाइप का है, इसको हम ऐसे देखो ये पिचकाने में पिचक जाता है ना ये, ठीक है ये इतना मोटा है मैंने पिचकाया तो पिचक गया, ठीक है ना, जैसे स्पॉन्ज होता है, तो वो चीजें कंप्रेस हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर रहेगा, तो सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड भी बहुत कम कंप्रेस होता है ना के बराबर, बट एयर बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाती है। कैसे, देखो जैसे कि आपने पिचकारी ली है ना, होली में सबने खेला होगा, आप कल से पिचकारी का आगे का हिस्से में हाथ से बंद कर देना और इधर से पिचकारी पिचकाना, ठीक है ना, आप थोड़ी देर में क्या नोटिस करोगे कि जो पिचकारी है वो हवा तो उसमें आपने आगे से बंद कर रखा है तो हवा तो निकली, लेकिन आपने उसे इधर से प्रेस पिचकाया तो मतलब उसके अंदर का जो हवा जो इतने एरिया में थी वो पिचक के इतने एरिया में हो गई। इसका मतलब है कि एयर को हम कंप्रेस कर सकते हैं, उसको हम कम एरिया में सिकोड़ सकते हैं, लेकिन सॉलिड को नहीं सिकोड़ सकते और ना लिक्विड को, ठीक है ना, दे आर इनकम्प्रेसिबल। ओके ठीक, तो ये तो हमारे यहाँ के पॉइंट हो गए, ठीक है ना। ओके अब इन्हीं का यूज करते हुए हम लिक्विड और गैसेस के पॉइंट्स निकालेंगे। ओके ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो तो बताना। ठीक है, तो देखो अब इन्हीं का आप अपने हिसाब से पॉइंट बनाओ, क्या बनाओगे, क्या बनाओगे बच्चों, वेरी लेस इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इसमें लिखेंगे, मोर मोलिकुलर डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर लिख लेंगे, ठीक है ना, मोर इंटरमोलिकुलर मतलब कि आप मॉलिक्यूल्स के बीच का, तो जैसे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता है ना, समझ गए ना, जैसे दो तीन स्कूलों के बीच में, तो ऐसी मॉलिक्यूल दो तीन मॉलिक्यूल मतलब बाकी का मॉलिक्यूल्स के बीच में, मोर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस
बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है, मोर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स देन सॉलिड, सॉलिड से ज्यादा डिस्टेंस होता है, ठीक है। फिर अगला क्या देखो, वेरी हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां पे लिखेंगे लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड्स, मतलब सॉलिड से कम होता है इनके बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन। दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है ना, इसमें सेम चीज आएगी, जो लिक्विड होते हैं उनकी भी वॉल्यूम फिक्स होती है, जैसे एक लीटर पानी है तो एक लीटर उसका फिक्स है, वो एक से दो नहीं हो जाएगा अपने आप ही। दे ऑल्सो हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, क्लियर रहेगा। फिर अगला, दे आर नॉट कंप्रेसेबल, ये भी, ये वन हो गया, टू थ्री फोर, दीज आर, दीज आर ऑल्सो नॉट कंप्रेसेबल, दीज आर ऑल्सो नॉट कंप्रेसेबल, ओके। देखो बच्चों, आप इसे फास्ट फॉरवर्ड करके आगे का भी देख सकते हो, ठीक है ना, लेकिन जिनको समझना है वो अच्छे से देखें, ठीक है। फिर आते हैं हम लास्ट अपने गैसेस पे, ठीक है ना, ऊपर कर देते हैं। अब देखो गैसेस का पहला पॉइंट जो हमने लिखा है, वेरी लेस इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, मोर इंटरमोलिकुलर, इसमें वेरी हाई इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, मतलब इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, ठीक है ना, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है पार्टिकल्स के बीच का, वेरी हाई इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है ना, बिटवीन पार्टिकल्स। अगला हमने क्या लिखा था यहाँ पे, लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ, इसको मैं ब्लैक पेन से कर देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाएंगे आपको, ठीक है ना, पॉइंट वन टू थ्री फोर, इसी तरह यहाँ पे भी कर देता हूँ, वन टू थ्री फोर, यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या, लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में और भी कम है, ठीक है ना, वेरी वेरी लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर, देखो ये बच्चों एग्जाम में मुझे लग रहा है पक्का आएगा, ठीक है ना, वेरी वेरी लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अच्छे से प्रिपेयर करो, बहुत अच्छा करोगे आप लोग, मुझे आप पे ट्रस्ट है, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया, एंड थर्ड क्या है, दे आल्सो हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका नहीं होता फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है ना, दीस डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है, आप जिस बर्तन में इसे रख दो, जिस कंटेनर में, उसको पूरा घेर लेगा, ठीक है ना, मतलब थोड़े से धुएं को अगर मैं बड़े से बाल्टी में रखूं तो वो पूरे बाल्टी में भर जाएगा, समझ पा रहे हो, रूम में भी थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे सेंट मारूं तो वहां दूर तक उसकी खुशबू चली जाएगी, समझ पा रहे हो ना, लेकिन पानी अगर मैं यहाँ थोड़ा सा रखूं तो पानी तो यहीं रहेगा ना, सेम वे, ओके। तो दीज डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, अब ये चीज, ये कंप्रेसिबल भी है, गैसेस आर कंप्रेसिबल, दीज आर कंप्रेसिबल, मतलब इसे हम पिचका सकते हैं, ठीक है ना, दीज आर कंप्रेसिबल, एक बार ये पॉइंट्स को देखो अच्छे से और जो डाउट है वो पूछो, ओके। इनके बीच में देखो वेरी लेस, ये बहुत ही पास पास है, डायग्राम याद रखना, ये लिख भी लो, ये क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ओके। तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर, वेरी हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम है, इनका वॉल्यूम फिक्स है, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब फिक्स वॉल्यूम, These are not compressed, इन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते। See, इसमें भी दबाव देखो सेम ही है, बस इससे थोड़ा अब थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसके पार्टिकल्स दूर दूर है, मतलब इंटरमोलिकुलर सेपरेशन यानी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है, और इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा क्यों है, क्योंकि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है, ओके, तो पॉइंट हो गए, और इनका भी वॉल्यूम फिक्स्ड होता है पानी का, ठीक है ना, और वहीं पे ये भी कंप्रेसिबल होती है, ओके।
ठीक है, ओ सॉरी, ये मतलब कंप्रेस होती है लेकिन बहुत ही कम होती है, ना के बराबर, नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल, इसलिए हम लिख लेते हैं दीज आर ऑल्सो नॉट कंप्रेसिबल, या फिर चाहो तो स्टार लगा के ले सकते हो, नेग्लिजिबली, नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल मतलब बहुत ही कम होती है, ना के बराबर, इसलिए हम लिख ही देते हैं नहीं होती, ठीक है ना, नेग्लिजिबली मतलब ना के बराबर कंप्रेस होती है, ओके। और फिर लास्ट में हमारा गैसेस, इसके पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर है, तो इंटरमोलिकुलर सेपरेशन बहुत ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस इतना ज्यादा इसलिए क्योंकि इनके बीच में फोर्स बहुत ही कम होती है और इनका कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता और इन्हें हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो आई गेस कि इसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अब इसके आगे के टॉपिक देखते हैं, एक चीज लिख सकते हैं आप चाहो तो, एक पॉइंट एक्स्ट्रा डाल सकते हो जो कि बच्चों का पॉइंट है कि सॉलिड फ्लो नहीं करते, लिक्विड और गैस फ्लो करते हैं, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। अब ये कॉपी बह थोड़ी ना सकती है, लेकिन पानी तो बह ही सकता है, और जो हवा फूंक मारी हवा भी बह गई, ठीक है ना, ठीक है, ओके। तो आई होप ये क्लियर है, बहुत ही बढ़िया प्यारे बच्चों। अब हम आगे चलते हैं, अब हम इसके चलते हैं स्टेट में कैसे चेंज आते हैं वो सब हम पढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, लेटेंट हीट, जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज रखती है, आज हम इसका पूरा अच्छे से निपटारा कर देंगे। और इसी के साथ में आपको हमने आज एक प्रैक्टिकल करा था, वो भी मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा, तो आप उसे एंड में देख सकते हैं अच्छे से, उसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी जो हम कंसेप्ट अभी आपको बताएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो, ठीक है ना, अच्छे से, कोई डाउट हो तो पूछ लो, बढ़िया। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर आगे चलते हैं, अब हम क्या बोलते हैं फेज चेंज की बात करेंगे। चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट और फेज एक ही है, ठीक है ना। तो हमारे पास तीन फेज हैं, जैसे कि आपको पता है, यू नो कि हमारे पास तीन फेजेस हैं, ओके। तो तीनों के नाम लिखे जाए, एक है हमारे पास सॉलिड, एक है हमारे पास लिक्विड गीला पदार्थ, और एक है गैस, ओके। तो देखो बच्चों, बड़े ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, ये भी बहुत आता है, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग, क्या, मेल्ट करना, ठीक है, मेल्टिंग याद रहेगा ना, इसका दूसरा नाम होता है फ्यूजन, मेल्टिंग और फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड। मतलब अब देखो, सॉलिड अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ एक मटेरियल का, तो मैं पानी का ही लेता हूँ, सॉलिड में आइस होता है, लिक्विड में वाटर होता है, लिक्विड फेज में, और जब गैसेस में फेज में चला जाता है तो उसे हम वेपर कहते हैं, वाटर वेपर, समझ पा रहे हो। तो आइस से पानी बनाने को हम मेल्टिंग या फ्यूजन कहेंगे, ओके। और फिर लिक्विड से गैस बनाने की प्रोसेस को हम कहेंगे वेपराइजेशन, क्या, वेपराइजेशन मतलब वेपर में बदलने की प्रोसेस को, क्लियर रही बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अगर मुझे किसी को गैस से लिक्विड बनाना है, मतलब वेपराइजेशन का उल्टा, तो उसका नाम होता है कंडेंसेशन, क्या, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन प्रोसेस वो होती है कि हम गैस से लिक्विड बनाते हैं, मतलब जैसे कि जो भाप आपके तवे से, मतलब कहते हैं आपने कुकर लिया, भाप उसमें से निकल रही है, ऊपर थाली रख दो आप देखोगे उसमें पानी जम जाएगा, वो है कंडेंसेशन प्रोसेस, वेपर से लिक्विड बनाने का, ठीक है ना। और फिर लिक्विड से अगर मैं सॉलिड बनाना चाहता हूँ, जो आप फ्रिज में करते हो, पानी को डाल के फ्रिज में ठंडा हो जाता है तो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है ना, आइस, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग, क्लियर रहेगा ना, फ्रीजिंग, आई होप कि क्लियर होगा बहुत ही अच्छे से। तो ये तो बेसिक है, ओके। अब देखो बच्चों, एक प्रोसेस होती है जिसे सॉलिड से डायरेक्टली हम गैस में बदल देते हैं, मतलब सॉलिड से सीधे डायरेक्टली गैस, उस प्रोसेस का नाम क्या है हमारे पास बच्चों, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन, क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब्लिमेशन, ठीक है ना, ठीक है। सॉलिड से डायरेक्टली गैस, उसे कहते हैं सब्लिमेशन। जैसे कि आपका कपूर होता है, कपूर को हम ऐसे रखे धूप में तो पूरा खत्म हो जाएगा,
तो देखो सब्लिमेशन वाले सब्सटेंसेस का नाम याद रख लो, एक होता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, क्योंकि देखो हम बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहे हैं लेकिन हर चीज अलग से लिखवाने का समय नहीं है, तो आप लिख लो सब्लिमेशन कौन कौन करता है, अमोनियम क्लोराइड, एक उसका फॉर्मूला होता है NH4Cl, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, दूसरी चीज आपका कैम्फर, क्या कैम्फर कपूर, और एक होता है आपका नैप्थलीन, नैप्थलीन बॉल्स, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें हैं जो सब्लिमेशन शो करती हैं, ओके। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनने को। इसी की तरह एक प्रोसेस होता है आपका जो गैस से डायरेक्टली सॉलिड में बन जाता है, मतलब सब्लिमेशन का उल्टा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। देखो बच्चों कुछ स्पेशल नहीं है, जैसे कि जो ये तीनों चीजों का नाम लिखा ना सब्लिमेशन, तो अगर इन्हीं चीज को हम ठंडा करते हैं तो डायरेक्टली गैस से सीधे सॉलिड में बदल जाएगा। मतलब कपूर को अगर हम इमेजिन करो कि उसे जहां पे वो भाप में बदला धूप में रखे, अगर मैं उसे पूरा ऊपर से ढक दूं तो वो दोबारा से अगर मैं ठंडा करूंगा तो मुझे सॉलिड मिल जाएगा, लिक्विड नहीं मिलेगा। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको पॉइंट, ये अच्छे से डायग्राम बनाओ और इसे ऐसे ही याद रखो, बहुत ही अच्छे से क्लियर है, ठीक है ना। इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग या फ्यूजन, लिक्विड से गैस को वेपराइजेशन, फिर गैस से लिक्विड बनाने को कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड बनाने को फ्रीजिंग, और सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनाने को सब्लिमेशन, और ये तीन चीजें करती हैं, और जब गैस को डायरेक्टली सॉलिड में बदलते हैं तो उसे सॉलिडिफिकेशन। ओके बच्चों बहुत ही बढ़िया, ये कर लिया। अब हम इसके बाद हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ओके। अच्छा है ना, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को हर चीज समझ आ रही है, और मुझे विश्वास है कि आ रही है, और जो थोड़ी बहुत अगर नहीं भी आ रही है तो आप पूछो कमेंट सेक्शन में, और जिनको जो हमारे इंस्टीट्यूट में आते हो तो इंस्टीट्यूट में आके पूछ लेना, ओके ना। ओके बच्चों बस पढ़ते रहो, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, ठीक है ना, हमारा टारगेट यही है, पता है ना आपको हमारे इंस्टीट्यूट का टारगेट, एग्जाम में तो मार्क्स अच्छे आ ही जाएंगे, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, ओके। तो उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, देखो बच्चों सॉलिड लिक्विड यहाँ पे हमारा गैस, देखो बच्चों प्यारे बच्चों जो हम देख रहे हैं सॉलिड लिक्विड गैस, तो देखो मैं इसके नीचे पहले लिख ही देता हूँ आइस वाटर वेपर, ठीक है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि सॉलिड से लिक्विड बनाने को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, क्या मेल्टिंग। देखो मेल्टिंग पता तो है पिघलना, लेकिन देखो जब कोई चीज पिघलती है ना, जब किसी चीज में मैटर में फेज में चेंज हो रहा होता तो टेम्परेचर में चेंज नहीं होता। एक चीज लिख देता हूं, व्हेन मैटर इज चेंजिंग इट्स फेज, व्हेन मैटर इज चेंजिंग इट्स फेज, जब मैटर अपना फेज चेंज कर रहा हो, मतलब सॉलिड से लिक्विड बन रहा हो, लिक्विड से गैस यानी वेपर बन रहा हो, तो उसमें टेम्परेचर में चेंज नहीं होता। व्हेन मैटर इज चेंजिंग फेज द टेम्परेचर डज नॉट चेंज, टेम्परेचर में चेंज नहीं आता है, मतलब वो कांस्टेंट रहता है, दैट इज इट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज इट रिमेन्स कांस्टेंट। देखो तो मान लेते हैं ये मेरे पे आइस ब्लॉक्स हैं, क्या आइस ब्लॉक्स नीले रंग का बनाते हैं अच्छे से, आइस क्यूब्स, अच्छे दिख रहे हैं ना बच्चों, ये हमारे पास बर्फ के टुकड़े हैं, ठीक है ना। अब मैंने इन्हें कटोरी में लिया, ओके, ये मैंने कटोरे में लिया, कटोरे बर्फ के नहीं बने बच्चों, कटोरे कटोरे हैं, ठीक है, इसे हमने लिया और इसके नीचे क्या लगा दी, आग, ठीक है, जो हमने एक्सपेरिमेंट में दिखाया है। अब देखो मतलब मान लो ये ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हमने लगा दी आग इसके, आग लगी, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होगा, ठीक है ना।
तो अब ये पिघल के क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, जो हमारा वाटर का मतलब आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने लगता है, मतलब आइस वाटर में चेंज होने लगता है। तो देखो जब तक सारी की सारी बर्फ पिघल नहीं जाती ना, तब तक टेम्परेचर 0 के ऊपर नहीं बढ़ता है, वो 0 ही रहता है जब तक कि सारी बर्फ पिघल ना जाए। जब सारी बर्फ पिघल जाती है, ठीक है, अब ये हमारा कंटेनर, ठीक है, अब कंटेनर में सिर्फ क्या बचा है, पानी, मतलब बर्फ तो पिघल गई, अब यहाँ पे है पानी, ठीक है, अब पानी बचा है, गैस हमने अभी भी चालू रखी है, ठीक है ना, फिर से हम ट्राइपॉड स्टैंड हमारा लगाते हैं। ठीक है, और गैस अभी भी चालू है हमारी, गैस बहुत गैस है हमारे पास बच्चों, हमने आग लगा के रखी है और ये जल रही है। ठीक है, ठीक है, तो देखो अब ना टेम्परेचर क्या होगा, अब देखो अब क्या होगा, जब हम पानी को गर्म कर रहे हैं तो किस में चेंज होगा, जब उबलने लगेगा, बॉइलिंग होगी ना, बॉइलिंग प्रोसेस जो आपने पढ़ा है, मतलब पहले पढ़ा होगा और जिन्हें पढ़ा अभी अब हम समझा रहे हैं आपको, बॉइलिंग होगी मतलब उबलना, जो आप हिंदी में कहते हो पानी उबाल लो, गर्म पानी पीते हैं ना ठंडी में, पता है ना, तो ऐसे ही तो करते हैं, पानी रखा नीचे से आग लगाई, तो क्या होता है वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। और एक चीज नोटिस करो, जब वो बहुत गर्म हो जाता है उसमें से ऐसे बुलबुले निकलने लगते हैं और वहां से बहुत भाप निकल रही होती है, मतलब क्या होता है उससे जो भाप होती है वो क्या होती है, वाटर चेंज हो चुका है वेपर में, तो उसी प्रोसेस को हम बॉइलिंग भी कहते हैं, वेपराइजेशन, बॉइलिंग, तो लिक्विड से गैस अब बदलेगा, ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन या फिर बॉइलिंग। ओके, तो देखो बच्चों जब ना बॉइलिंग हो रही होती है ना, तो लिक्विड का जो टेम्परेचर होता है, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का, बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड से गैस बनना स्टार्ट होती है, वो होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। कितने, 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब मेल्टिंग पॉइंट आइस का होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और वहीं पे बॉइलिंग पॉइंट आपका वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 डिग्री पे ही सॉलिड लिक्विड में बदलेगा और 100 डिग्री पे ही लिक्विड गैस में बदलेगा, समझ पा रहे हो। और जब तक पूरा पानी नहीं पिघल जाता तब तक टेम्परेचर 100 डिग्री ही रहेगा, गैस तो चालू ही है लेकिन टेम्परेचर नहीं बदल रहा है। अब देखो बच्चों इमेजिन करो, गैस चल रही है और टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो वो हीट एनर्जी जा कहाँ रही है भाई, वो एनर्जी जा रही है इसका फेस चेंज करने के लिए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट, जो अभी हम लिखेंगे, लेटेंट हीट छुपी हुई हीट होती है एक तरह से, वो हीट कौन सी होती है, जो हम उसने एब्जॉर्ब करी होती है अपना फेस चेंज करने के लिए, वो टेम्परेचर नहीं बढ़ाती उस समय, वो उस समय अपना फेस चेंज करती है। जैसे देखो जब पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो चुका है 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो पानी बन चुका है, अब पानी 0 डिग्री से आगे बढ़ेगा, पानी जैसे जैसे हम उबालेंगे पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, 0 होगा 10 होगा 20 होगा 30 होगा 40 होगा 50 होगा 60 होगा 70 80 90 100, फिर 100 के ऊपर बढ़ना बंद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 100 डिग्री पे बॉइलिंग स्टार्ट हो चुकी होगी प्रोसेस, और सारा का सारा लिक्विड जब तक गैस में नहीं बदल जाता तब तक टेम्परेचर 100 ही रहेगा, जब सारा गैस में बदल चुका होगा फिर टेम्परेचर इंक्रीज होना होगा, ठीक है ना। तो जब टेम्परेचर फिक्स हो जाता है, वो चेंज नहीं होता, तो उस समय जितनी भी हीट गई होती है ना वो सब उसके अंदर स्टोर हो जाती है, क्लियर है, तो उसे ही हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ओके, क्लियर है बात, चलो ठीक है ना। अब देखो अगर मैं इसका एक तीसरा डायग्राम बना दूंगा आपको लोग के लिए, तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे ये हमारा कंटेनर, ये हमारा ट्राइपॉड स्टैंड जहाँ पे हमने इसके ऊपर हमने ये रखा हुआ है, आग अभी भी जल रही है और बच्चे पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चों, अब यहां से तो पूरी पानी पिघल मतलब भाप बन चुकी है, तो मैं ऐसे रिनोट कर देता हूँ, कुछ नहीं बचा सिर्फ भाप बची है, मतलब वेपर में चेंज हो चुका है, तो आई होप कि क्लियर होगा ये, ठीक है ना। तो सॉलिड से लिक्विड को बनाते वक्त जिस टेम्परेचर पे होता है वो चेंज, उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड भी है लिक्विड भी है दोनों स्टेट में, ठीक है ना, क्योंकि वो मेल्ट हो रहा है, और वही बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसके डेफिनेशन लिख लेंगे क्योंकि एग्जाम में आता है, तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है, और जो नहीं हुआ होगा वो पूछ लेना, और जो बच्चे इंस्टीट्यूट में आते हैं उनका तो हो ही जाएगा। ओके, तो हम इसको करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, डायग्राम रहने देता हूँ, तो बच्चों इसका डेफिनेशन लिख लो मेल्टिंग पॉइंट का, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट, मतलब
आइस मेल्ट हो गई, मतलब ये सिर्फ आइस की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, लिख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पहले, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच a solid turns into a liquid at constant pressure, या फिर एट वन एटमोस्फेरिक प्रेशर। देखो जो एटमोस्फेयर हम पे प्रेशर डाल रहा है ना, उसे हम एटमोस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। एट कॉन्स्टेंट, या फिर तो कॉन्स्टेंट की जरूरत नहीं है, एट कॉन्स्टेंट वन एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है ना बात, कोई दिक्कत वाली बात। उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं जिस टेम्परेचर पे एक सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब सॉलिड एक लिक्विड में बदलने लगता है, ठीक है ना। ठीक है, एट विच सॉलिड टर्न्स इनटू अ लिक्विड। अब उसी के साथ हम लिखते हैं अपना मेल्टिंग पॉइंट हो गया, इसी के साथ अगला हमारा बॉइलिंग पॉइंट। सेम ही डेफिनेशन आएगी, चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी। जैसे हमने टेम्परेचर एट विच सॉलिड, अब यहाँ पे हम लिक्विड से लिखेंगे कि वो टेम्परेचर जिसपे लिक्विड वेपर में बदल जाता है। The temperature at which a liquid turns into vapor at one atmospheric pressure एटमॉस्फेरिक। देखो प्रेशर फिक्स रखना पड़ेगा क्योंकि चीजें प्रेशर के साथ बदल जाती है, तो अभी तो आपके सिलेबस में ज्यादा है नहीं, तो आप बस इतना याद रखो कि हम वो भी पढ़ेंगे आगे, चिंता किस बात की। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड टर्न्स इनटू, या फिर एट विच अ लिक्विड टर्न्स इनटू वेपर एट वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, देख लो अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो वीडियो थोड़ी सी कट हो गई थी, लेकिन वी आर बैक। तो बच्चों अब आपको बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्लियर है ना। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे क्या होता है कि हमारा जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में टर्न होना स्टार्ट हो जाता है, ओके। उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट वो हमारा वो है जब लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब वो लिक्विड से वेपर फेज में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, ओके। क्लियर है, ये इनकी डेफिनेशन है, इनको अच्छे से समझ लो। और फिर हम मूव करते हैं आगे कि ऐसा होता क्यों है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे फेस चेंज हो रहा है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि देखो हमारा काम चीज़ों को समझना है, ठीक है ना, ये नहीं कि सिर्फ रट लिया एंड हमारा काम हो गया। भले ही मुझे पता है लास्ट मोमेंट चल रहा है एग्जाम में, अब फाइनल फंडा वही है, जिसने पूरे साल नहीं पढ़ा उन्हें रटना ही है, बट रटते भी जितना समझ लें उतना तो अच्छा ही है ना बच्चों। सो चलो थोड़ा सा समझ भी लिया जाए, ओके। तो देखो यहाँ ज़्यादा लिखना नहीं है, बस समझो कि जैसे देखो जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स पास पास होते हैं, बहुत ही पास पास, ठीक है ना, बहुत ही पास पास। तो देखो जब मैं इसको गर्म करते हैं, जब हमने हीट करा ठीक है ना, तो क्या होगा, इनके बीच में एनर्जी गई तो ये ज़्यादा हिलने लगते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जब हम किसी चीज़ को हीट प्रोवाइड करते हैं ना तो ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करता है, मतलब हिलता है, ठीक है ना। तो जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा तेज़ी से रैंडमली मूव करने लगते हैं, जिससे उनके बीच की सेपरेशन बढ़ जाती है। तो बताओ जब हीट करने पर इनके बीच की सेपरेशन बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएंगे, ये दूर दूर हो जाएंगे, समझ पा रहे हो ना, मतलब थोड़े थोड़े दूर, मतलब अब कहाँ बन जाएंगे, ये सॉलिड से लिक्विड में बदल गए। अब पार्टिकल्स अभी भी पास ही है लेकिन पहले से तो ज्यादा दूर दूर ही है ना, खुले खुले, ओके। तो लिक्विड, अब इसको हमने और गर्म करा तो क्या होंगे, एनर्जी मिली इन पार्टिकल्स को, काइनेटिक एनर्जी,
मतलब जो हीट दे रही है, हम तो हीट दे रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है, इनके अंदर की एनर्जी बढ़ रही है, पार्टिकल्स को ज्यादा तेजी से जिगल कर रहे हैं, जिगलिंग मोशन ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो और ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, इनके बीच की सेपरेशन और बढ़ जाएगी, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस और इंक्रीज हो गया, सेपरेशन और इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कम हो गई, जिसकी वजह से अब क्या है, ये एयर में बदल गए, लिक्विड से एयर या फिर वेपर, समझ गए ना, ठीक है। तो इस तरीके से होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिड से लिक्विड, हमारा मेल्टिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पे चेंज हो उसे मेल्टिंग पॉइंट, और लिक्विड से गैस वेपर बनाने को हमारा क्या है, क्या है, एयर लिख रहा हूँ, मतलब गैस ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो फिर ये जो प्रोसेस, इसको हम क्या बोल देंगे, बॉइलिंग पॉइंट, ओके ना, ओके, बढ़िया, बहुत ही प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, अब इसी के साथ हम एक चीज़ लॉजिकल में बताता हूँ आपको, फिर मैं लिखाऊंगा भी, क्योंकि अभी एग्जाम में आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैंने अभी आपको लिखते वक्त बता रहा था, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, कि जब फेज चेंज हो रहा होता है ना, उस समय पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, उस समय पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, जैसा आपने डायग्राम में देखा, क्योंकि उस समय वो एनर्जी कहाँ जा रही होती है, उन पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं ताकि वो ज़्यादा मूव करें, उनके बीच का सेपरेशन बढ़े, तो टेम्परेचर नहीं बदलता है, लेकिन उनके अंदर की पार्टिकल्स की दूरी जरूर बढ़ जाती है, उनके बीच का इंटरमोलिकुलर सेपरेशन बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो उन्हीं को हम कहते हैं लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, लेटेंट हीट। देखो, द हीट एब्जॉर्ब्ड, जो हम बता रहे हैं वही लिखो, मार्क्स नहीं कटेंगे बिल्कुल भी, ठीक है ना। द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सब्सटेंस, the heat absorbed by the substance when changing its phase at constant temperature is called लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का दूसरा मीनिंग होता है हिडन हीट, छिपी हुई गर्मी, ओके, क्लियर है। तो लेटेंट हीट तो समझ गए ना, कि जब फेस चेंज हो रहा होता है, उस मोमेंट पे जो हीट एब्जॉर्ब होती है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट, ओके, क्योंकि उस समय टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता है। अभी लेटेंट हीट दो चीजें हैं हमारे पास, लेटेंट, इसमें भी हमारे पास दो कैटेगरीज है, एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन पता है ना, सॉलिड से लिक्विड, क्या फ्यूजन का मतलब होता है, सॉलिड से लिक्विड, यानी मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है। तो जब मेल्टिंग के टाइम पे जितना हीट एब्जॉर्ब करता है ना सब्सटेंस, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लिख लेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी absorbed, the amount of heat energy absorbed by the 1 kg substance, या फिर 1 kg solid to turn into liquid state, is called this latent heat of fusion. Okay, the amount of heat energy absorbed by the 1 kg solid to turn into liquid is called latent heat of fusion. लिख लोगे ना, latent heat of fusion. Okay, उसी तरह आपका आता है latent heat of vaporization. Latent heat of वेपराइजेशन। अब बच्चों देखो, वेपराइजेशन मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, जब लिक्विड से गैस बना रहे होते हैं, गैस का दूसरा नाम वेपर की फॉर्म में, ठीक है ना, वेपर, ठीक है। तो सेम डेफिनेशन आएगी, बस थोड़ी सी चीजें बदल जाएंगी, और वो चीजें ये बदलेंगी कि द अमाउंट ऑफ heat energy absorbed
बाय 1 kg लिक्विड, 1 kg लिक्विड टू टर्न इनटू वेपर स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ठीक है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. दिख नहीं रहा होगा लेकिन समझ तो गए ना. ठीक है, ओके बच्चों, तो आई गेस कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा हीट एंड ये अच्छे से लिखना, अच्छे से नोट डाउन कर लो इसके डेफिनेशन. देखो मैं डेफिनेशन इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो लास्ट मोमेंट पे कर रहे हैं उनको याद करने के लिए इजी हो जाएगा. ठीक है ना, तो ये एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो इसलिए मैं अच्छे से करा रहा हूँ और हर चीज़ अच्छे से ही कराते हैं हम. लेकिन ये है कि अब फाइनल मोमेंट है फिर भी हम ये डिटेल में करा रहे हैं, ये एक अलग बात है. ठीक है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, अब आगे बढ़ते हैं. ओके, जो नहीं समझ आया एक बार थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करो फिर दोबारा से इसकी डेफिनेशन देखो. ठीक है ना, वरना बहुत लंबी हो जाएगी. लेकिन समझ लेना लेटेंट हीट क्या होता है, द हीट एनर्जी अब्सॉर्ब बाय द सब्सटेंस व्हेन चेंजिंग इट्स फेज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. जब कहते किसी का फेज बदल रहा होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो जो एनर्जी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब हुई होती है उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं. ओके बढ़िया, इसका दूसरा नाम होता है हिडन हीट. देखो इस पर क्वेश्चन बहुत आता है कि अगर हम 100 डिग्री पे गैस भी हो सकती है और 100 डिग्री पे वाटर भी हो सकता है, ठीक है, तो ज़्यादा डैमेज कौन करेगा हमें अगर हमारे ऊपर हाथ पे 100 डिग्री का पानी गिर जाए या 100 डिग्री की स्टीम, वही ना वेपर स्टेट में, मतलब स्टीम समझ रहे हो ना भाप, तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा हाथ कब जलेगा. तो देखो इसका आंसर होता है वेपर स्टेट में. क्यों? क्योंकि भले ही टेम्परेचर दोनों का सेम है 100 डिग्री सेल्सियस, बट वेपर स्टेट में उसमें एक्स्ट्रा हीट है ना, वो ये लेटेंट हीट है. सो बिकॉज वेपर फेस कंटेन्स एक्स्ट्रा हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, सो इट विल कॉज मोर डैमेज टू अवर टिश्यूज. ओके, मतलब 100 डिग्री का वे स्टीम ज्यादा खतरनाक है 100 डिग्री के पानी से. ठीक है ना, उसी तरह अगर हमें किसी चीज को ठंडा करना हो तो 0 डिग्री के पानी से बेटर होगा कि हम 0 डिग्री आइस यूज करें. मतलब देखते नहीं हो हाथ जलता है तो पानी की जगह बर्फ लगाते हैं, क्योंकि बर्फ ज्यादा इफेक्टिव होता है हीट एब्जॉर्ब करने में, क्योंकि वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा लेटेंट हीट. समझ पा रहे हो ना, वहां पे क्या होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो हीट एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा हमारी बॉडी में से, मतलब हमें ज्यादा जल्दी ठंडक पहुंचाएगा. क्लियर है, तो चलो इसके साथ हम आगे चलते हैं. अब थोड़ा सा इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखते हैं कि हम किसी गैस को सॉलिड कैसे बना सकते हैं, जो बहुत आता है एग्जाम में क्वेश्चन, ड्राई आइस. चलो बच्चों फिर समझते हैं. ओके, रात के 12 बज रहे हैं और हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं. चलो ठीक है, देखो तो लेट्स हैव अ लुक. अब देखो बच्चों, ये जो चेंज ऑफ स्टेट की बात हो रही है इसी टॉपिक के अंदर है. ऐसा देखो, अब थोड़ा सा लॉजिकली समझना जो हम कहने जा रहे हैं. ठीक है ना, अच्छे से हम कहने जा रहे हैं ये, देखे जरा बन भी रही है ना, क्योंकि पिछली बार रुक गई थी वीडियो. ठीक है, बन रही है, बढ़िया, परफेक्ट. जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माँ सरस्वती. ठीक है बच्चों, माता जी आप पे आशीर्वाद बनाए रखे, लाइफ में कुछ बड़ा करना है. ठीक है, ओके, तो देखो मेरे पे है सॉलिड, लिक्विड, गैस. टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, और टेम्परेचर बढ़ाने पे लिक्विड से गैस बन जाता है. ठीक है ना, गैस से लिक्विड बन जाएगा तब जब मैं टेम्परेचर को करूंगा कम, और अगर मैं लिक्विड से सॉलिड बनाना चाहता हूं तो मुझे टेम्परेचर को और क्या करना पड़ेगा, कम. तो ये तो टेम्परेचर पे बात है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बना सकते हैं, और टेम्परेचर कम करने पे गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड. बट देखो जैसे कुछ गैसेज होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन ही, आपको पता है जो हवा में गैसेज है ना ऑक्सीजन, हम इसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. समझ पा रहे हो, जैसे देखो आपका जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर वो लिक्विड स्टेट में होता है, जैसे हिला के भी देख सकते हो, ठीक है, लिक्विड स्टेट में होता है. लेकिन जब हम उसे ऑन करते हैं अपने, क्या बोलते हैं, ऊपर स्टोव को, तो हम क्या देखते हैं, उसमें से पानी थोड़ी निकल रहा है, उसमें से तो हवा निकल रही होती है. तो कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? और वहीं पे अगर आपने कभी लाइटर देखा होगा तो देखा होगा कि उसके अंदर पानी सा भरा रहता है, ठीक है ना, पानी सा. लेकिन जब हम उसे खोलते हैं तो उसके अंदर से क्या होती है, आग तो लगती है, अगर आग को बुझा दे तो उसमें से गैस निकल रही होती है. तो पानी गैस में बदल गए, लिक्विड चेंज इनटू गैस. क्यों? क्योंकि यहां पे रोल है प्रेशर का. ठीक है, आप ध्यान से देखो, जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं ना
तो हम चीजों के स्टेट को सॉलिड बना सकते हैं, क्योंकि देखो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है। अगर मैं इसको पास लेके आऊं तो क्या होगा, इनके बीच की डिस्टेंस कम होगी, सेपरेशन कम होगा, समझ पा रहे हो ना। और सेपरेशन कम होगा तो क्या होगा, वो गैस से लिक्विड बनेगा, और प्रेशर बढ़ाऊंगा तो लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। तो याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हम किसी गैस को लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं, मतलब गैस को लिक्विड में कैसे बना सकते हैं। तो दो चीज याद रखना, एक तो टेम्परेचर कम करेंगे। अब देखो अगर मुझे गैस को लिक्विड बनाना है तो मुझे टेम्परेचर भी कम करना पड़ेगा और प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। अगर मुझे गैस से लिक्विड बनाने तो टेम्परेचर कम, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। उस तरह लिक्विड से सॉलिड में तो टेम्परेचर कम और प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। देखो टेम्परेचर क्यों कम कर रहे हैं, देखो मैंने अभी आपको बताया ना कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ज्यादा वाइब्रेट करता है, तो ज्यादा दूर जाता है। मैं तो इनको पास लाना चाहता हूं ना, तो मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रेशर उन्हें और पास लाने के लिए उन्हें कहते दबाना पड़ेगा, तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो ये चीजें ध्यान रखने वाली है लॉजिकली, समझ रहे हो। टेम्परेचर कम, अगर मुझे गैस से लिक्विड लाना है तो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, प्रेशर इनक्रीज करेंगे, समझ पा रहे हो ना। लिक्विड से सॉलिड बनाना है, टेम्परेचर डिक्रीज मतलब कूल करेंगे और प्रेशर इंक्रीज। और यहीं पे इसको उल्टा, टेम्परेचर इनकी अगर सॉलिड से लिक्विड बदलना है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे और प्रेशर कम करेंगे, ठीक है ना। ओके बिल्कुल क्लियर है फंडा, बहुत ही प्यारे बच्चों। तो इसी तरह हम गैस के, जैसे कि देखो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है CO2, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम, ये तो अभी पहले गैस की स्टेट में, मुझे इसको सॉलिड बनाना है, CO2 सॉलिड। तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को करेंगे कम, टेम्परेचर को करेंगे डिक्रीज और प्रेशर को करेंगे इनक्रीज, प्रेशर को करेंगे इनक्रीज। तो जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टेट में वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड में। और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं बच्चों अपनी भाषा में, ड्राई आइस, क्या, ड्राई आइस। और जब हम इसमें प्रेशर फिर से हटा, मतलब क्या बोलते हैं, प्रेशर कम करेंगे तो ये ड्राई आइस मेल्ट होने लगेगी, मतलब आइस से सीधे ये वेपर में चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका शोज में इस्तेमाल करते हैं, जहां पे धुएं वाला इफेक्ट देना होता है ना, मूवीज में देखा होगा, तो वहां पे हम ड्राई आइस का यूज करते हैं। और इसी तरह देखो जो आपके घर में सिलेंडर है उसमें क्या है, LPG लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस, उसको भी तो हमने यही करा है, गैस को हमने लिक्विड स्टेट में चेंज करके रखा है, ठीक है ना। लाइटर के अंदर वही है, जो कारों में CNG यूज होती है वहां पे भी यही होता है, वो लिक्विड स्टेट कहते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस को कंप्रेस करके हमने इकट्ठा करके रखा होता है, ठीक है। जो आपके ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं तो उसमें भी ऑक्सीजन गैस को हमने लिक्विड स्टेट में इकट्ठा करके रखा है, क्योंकि गैस क्या होती है, हाईली कंप्रेसेबल, हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं बहुत ज्यादा। ओके तो चलो ये हो गया आपका। अब इसके बाद हमारा बॉइलिंग और क्या बोलते हैं मेन टॉपिक है, बस बॉइलिंग और एवापोरेशन में डिफरेंस देखना है। और आपको एक टेम्परेचर में चेंज करना बताना है मेरे को, कि टेम्परेचर को कैसे अलग अलग यूनिट में चेंज करते हैं, ठीक है। चलो फिर देखते हैं हम एवापोरेशन एक बार। देखो एवापोरेशन, मैं इसी के साथ बॉइलिंग को भी करूंगा, तो मैं इसके बगल में बना लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए डिफरेंस। देखो बच्चों बॉइलिंग कब होती है, मैंने बताया था ना, जब हमारा पानी का टेम्परेचर किसके इक्वल हो, बॉइलिंग पॉइंट पे हो, तब बॉइलिंग स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो वाटर के लिए कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। बट लिख लेते हैं इसे, बॉइलिंग, बॉइलिंग भी प्रोसेस क्या है, दिस इज ए प्रोसेस ऑफ converting liquid into gas at boiling point, जो कि पानी के लिए कितना होता है, वाटर के लिए कितना ही है, फॉर वाटर इट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ओके सो दिस इज प्रोसेस, ये छूट गया था, PROCESS, ठीक है ना, दिस इज प्रोसेस, ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इंटू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इंटू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट। और वही एवपोरेशन क्या होता है, सेम लॉजिक बट एवपोरेशन इज डिफरेंट थिंग, अभी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सेम प्रॉब्लम, ये भी वही प्रोसेस है, दिस इज also a
प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इंटू गैस बट एट लेस टेम्परेचर बट एट लेस टेम्परेचर देन बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर मैं पानी को एवेपोरेट करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री से कम पे भी वो पानी गैस में बदल जाएगा। अब इसे समझो एवेपोरेशन क्या है, इतना लॉजिक क्लियर हो गया ना। एवेपोरेशन भी वही प्रोसेस है क्या, लिक्विड को गैस में बदलना बट बॉइलिंग पॉइंट से कम पे। और वही जो बॉइलिंग होती है वो क्या होती है, ये भी प्रोसेस लिक्विड से गैस में ही होती है कन्वर्ट करने की, बट ये बॉइलिंग पॉइंट पे होती है। और ये क्या होती है, एट अ टेम्परेचर, एट लेस टेम्परेचर देन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे। इसको हाईलाइट कर लो, ये एट बॉइलिंग पॉइंट और ये एट लेस टेम्परेचर देन बॉइलिंग पॉइंट। ओके ठीक है। तो देखो बच्चों, जैसे देखो एक तो होता है कि आपने पानी को उबाला गैस पे रख के, ठीक है, तो वो भाप में बदला। लेकिन जैसे देखो कभी आपसे कहते हैं फर्श पे पानी गिर गया, तो क्या फर्श को थोड़ी ना आग लगा देंगे कि उबल जाए जल्दी से? थोड़ी देर में क्या होता है, पानी अपने आप, हम पोछा लगा देते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है, पानी धीरे धीरे अपने आप ही वेपर में बदल जाता है। मतलब पानी गया कहाँ, गैस में बदल गया ना, वेपर स्टेट में। तो बच्चों वहां पे ये चेंज तो हुआ, बट वहां पे क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस है लेकिन फर्श का टेम्परेचर तो बहुत कम है, 20-25 डिग्री होगा, फिर भी वो पानी वेपर में कन्वर्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन। अभी हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, ओके, क्योंकि मुझे लॉजिक में बात करना बहुत अच्छा लगता है चीजों को रेशनलाइज करके, तो हम आपको समझाएंगे। लेकिन अभी डेफिनेशन पे ये कि जब लिक्विड को वेपर में चेंज करते हैं बट एट टेम्परेचर लेस देन बॉइलिंग पॉइंट, तो हम उसे क्या कहते हैं, एवापोरेशन। अब देखो बच्चों एवापोरेशन ना सिर्फ सरफेस पे होता है, मतलब अगर मान लो मैंने यहाँ कटोरा रखा है और यहाँ पे इतना पानी है, ठीक है ना, ये टॉप लेयर है, तो एवापोरेशन जो होगा वो सिर्फ टॉप लेयर का होगा, टॉप लेयर की ही जो सबसे ऊपर लेयर है वही कन्वर्ट होगी लिक्विड से गैस में, समझ पा रहे हो ना। तो हम इसका पॉइंट लिख सकते हैं 1, 2, इट इज अ सरफेस फिनोमिना, हम इसे लिखते हैं इट इज ए सरफेस फिनोमिना, मतलब ये टॉप लेयर पे ही होता है सरफेस के ऊपर, सरफेस फिनोमिना, ठीक है ना। और वहीं पे जो ये है भाई साहब हमारे बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग, ठीक है ना, जो लिक्विड से गैस करने की प्रोसेस है, वो हमारे भाई साहब क्या होते हैं, इसे हम लिखते हैं इट इज ए बल्क फिनोमिना, इट इज ए बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना का मतलब क्या है, जैसे कि ये हमारे पास कंटेनर है, इसके अंदर पानी है, और अगर मैं इसके नीचे आग लगा दूं, ठीक है ना, तो क्या होगा, जो पानी उबलेगा ये सिर्फ टॉप लेयर नहीं उबलेगा, ये हर जगह मिक्स हो रहा होता है, ठीक है ना, ओशन करंट्स होते हैं, पानी बहुत ज़्यादा मूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से पानी हर जगह से ही गर्म हो रहा होता है, ठीक है ना। तो ये पानी क्या होता है, पूरा ही मिक्स हो रहा होता है, इसलिए हम कहते हैं बल्क, मतलब पूरा झुंड का फिनोमिना है, ठीक है ना। और ये क्या है, सिर्फ सरफेस फिनोमिना। आई गेस के डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एग्जाम में इसके आने के भी चांसेस बहुत है। देखो बच्चों, बच्चों आपको हर चीज़ करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट है, और लॉजिकली समझा के, तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम आएगी, ठीक है ना। और जो बच्चे इसे बाद में देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही यूजफुल है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हर चीज़ बहुत अच्छे से डिटेल में बताई गई है, समझाई गई। ओके, तो ये हो गया डेफिनेशन, क्लियर है ना। इवेपोरेशन हमारा प्रोसेस होता है कि लिक्विड से गैस में बदलने का, बट बिलो बॉइलिंग पॉइंट, और ये सरफेस फिनोमिनन है। वहीं पर जो बॉइलिंग प्रोसेस होती है, ये भी प्रोसेस वही है लिक्विड से गैस में बदलने का, बट ये बॉइलिंग पॉइंट पे होती है, मतलब पानी बॉयल होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही, बट वो एवोपरेट हो जाएगा बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे भी गलते हैं वेपर में बदल जाएगा। ये बल्क फिनोमिना है, ये सरफेस फिनोमिना है, मतलब ये सिर्फ टॉप लेयर पे होता है, और ये बल्क फिनोमिना पूरे लिक्विड में मिक्स होकर होता है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपरेशन, मतलब एवोपरेशन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ओके, फिर हम इसके बाद आपको टेम्परेचर में एक स्केल से दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट करें वो बताएंगे। ओके बच्चों, आपकी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, एग्जाम्स चल रहे हैं ना, तो अच्छे से चिल करके अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब हम क्या बात करने वाले हैं आपसे, फैक्टर्स अफेक्टिंग एवेपोरेशन,
फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन। तो बच्चों मतलब एवापोरेशन किन किन चीजों पे, मतलब किन किन चीजों के कौन सी चीजें एवापोरेशन पे फर्क डालती हैं, मतलब ठीक है ना, क्या क्या फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं ऑपरेशन को, ठीक है ना। तो पहली चीज देखो बच्चों, एवापोरेशन पे फर्क पड़ता है कि उसका सरफेस एरिया कितना है। जैसे हमने अभी लिखा था ना, इट इज अ सरफेस फिनोमिना। तो देखो इसे समझो, एक तरह से देखें तो जैसे देखो हमें चाय ठंडी करनी होती है, तो गिलास में कप में ज़्यादा जल्दी ठंडी होगी, या फिर मैं उसे क्या बोलते हैं, जैसे बच्चों को कटोरे में डाल देते हैं तो ज़्यादा ठंडी होगी, कटोरे में डाल के ना, समझे नहीं समझे, कटोरे में डाल देते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादा फास्टर एवापोरेशन होती है, ठीक है ना। मतलब सिंपली बोले तो एवापोरेशन सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा फास्टर एवापोरेशन होगा, ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एवापोरेशन होगा, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। सेकेंड, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, मतलब आसपास का क्या टेम्परेचर है। अगर देखो जैसे सिंपली समझो, गर्मी का टाइम है और हमारे फर्श पे पानी गिर जाए तो जल्दी, और हम पोछा मार दे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, जब कंपेयर टू विंटर्स में, विंटर्स में पानी गिर जाए अगर हम पोछा भी मार दे तो ज्यादा समय तक गीला रहेगा, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर सराउंडिंग का कम है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा एवापोरेशन भी उतनी फास्ट होगी, इमेजिन कर पा रहे हो ना, जैसे कि तवा है वो गर्म है, हमने थोड़ा सा पानी डाला तो कितनी जल्दी वो गायब हो जाता है, ठीक है ना। जैसे गर्मी के टाइम पे देखो लोग अपनी बाइक की कार की सीट पे भी पानी डालते हैं जो धूप में रखे, बहुत गर्म हो जाती है, तो पानी कितनी जल्दी एवापोरेट हो जाता है, ठीक है ना। ओके, 100 डिग्री तो पहुंचा नहीं होता लेकिन एवापोरेट जल्दी हो जाता है। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। अगला, इट डिपेंड्स ऑन विंड स्पीड, इट डिपेंड्स ऑन विंड स्पीड। अब ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है, पोछा लगाने के बाद हम क्या करते हैं, पंखा चालू कर देते हैं ना रूम का, क्योंकि पंखा चालू करने से आपको पता है, मम्मी कहती हैं कि जल्दी सूख जाता है पानी। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि देखो जब पंखा चलता है, मतलब हवा चल रही होती है ऊपर तेजी से, क्या होता है, तो जो वेपर, जो हमने जैसे पानी गिरा हुआ था वो वेपर कहते हैं एवापोरेट होके पानी हवा में आया, तो हवा उसे बहा के लेके चली गई ना, तो ऊपर की जगह खाली हो गया, तो और जल्दी से दोबारा से एवापोरेशन हो सकता है, क्योंकि अगर एवापोरेशन होके वाटर मॉलिक्यूल वहीं पर इकट्ठा हो जाए तो नए मॉलिक्यूल्स तो ऊपर ही नहीं आ पाएंगे, ऐसे इमेजिन करो, तो इसलिए प्रोसेस स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर हवा चल रही है तो ऊपर के मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे, फिर जगह खाली हो गई तो तेजी से चलेगा। इट डिपेंड्स ऑन विंड स्पीड, तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा तेज एवापोरेशन होगा। फिर इट डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी, इट डिपेंड्स अपॉन ह्यूमिडिटी। अब बच्चों ये भी समझ लो कि ह्यूमिडिटी क्या होती है। देखो बच्चों जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना हवा, तो इसमें द अमाउंट, इसके अंदर जितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर मिक्स्ड है ना, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। जैसे कहते हैं कि आज बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, मतलब आज नमी बहुत ज़्यादा है हवा में, ठीक है ना। जैसे गर्मियों में हो जाता है, विंटर में देखो एक होता है कि गर्मी है बस लेकिन नमी नहीं है, तो पसीना आता है और वो सूख जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हवा में वेपर कम होते हैं तो हमारा पसीना बहुत ईजिली गायब हो जाता है। बट कभी ह्यूमिड डे होता है, मतलब उस दिन एयर में वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है कंपेयर टू बाकी दिन, तो उस दिन ह्यूमिड डे होता है, तो उस दिन हमारे जो पसीना आता है हमें गीला गीला सा लगता है, पसीना सूखता नहीं है, क्योंकि पहले से एयर में इतना वाटर है कि हमारा जो बॉडी में जो स्वेट निकला वो एवापोरेट नहीं हो पाया, तो उस दिन हमें अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, गर्मियों में। ओके, तो ये है, इट डिपेंड्स अपॉन ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी कम होगी तो एवापोरेशन फास्ट होगा, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ह्यूमिडिटी इज लेस, एवापोरेशन इज फास्ट। इफ ह्यूमिडिटी इज लेस, एवापोरेशन इज फास्ट। और देखो अगर सरफेस एरिया ज्यादा तो एवापोरेशन फास्ट, एवापोरेशन फास्ट। टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा एवापोरेशन फास्ट। विंड स्पीड, जितनी ज़्यादा स्पीड, मतलब स्पीड जितनी ज़्यादा
इवापोरेशन भी उतना फास्ट, तेजी। बस ह्यूमिडिटी में उल्टा है, ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी इवापोरेशन उतना कम होगा। लॉजिक भी क्लियर है ना आपको? बहुत बढ़िया बच्चों। तो ये फैक्टर्स हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको लॉजिकली बता देता हूँ कि इवापोरेशन में होता क्या है थोड़ा सा, ठीक है ना, ज्यादा समय नहीं लगेगा आपका। और जिन बच्चों को नहीं समझना है वो सीधे थोड़ा सा आगे जा सकते हैं, और जिन्हें समझना है वो अच्छे से समझे बच्चों, क्योंकि हर कैटेगरी के बच्चे हैं। कई बच्चों को समझना अच्छे से लगता है, कई बच्चों को बस काम चल जाए, कईयों को कुछ पता ही नहीं होता हो क्या रहा है, काम भी ना चले बस खुश हैं। खुशी रहना चाहिए बच्चों, आप लोगों को, सीखो उन बच्चों से, ठीक है। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहो और दूसरे आपसे सीखेंगे, ठीक है ना। ओके, तो देखो अगर मैं इमेजिन करूँ, जैसे देखो मेरे पास एक कंटेनर है, ओके, आई हैव अ कंटेनर, ठीक है, और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स। मैं टॉप वाले को यहाँ पे बना देता हूँ, ये टॉप वाले हैं, ठीक है ना, ये आपके मॉलिक्यूल्स एट द टॉप सरफेस, सबसे ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो देखो क्या होगा बच्चों, ये सराउंडिंग है, इसके आसपास क्या है, ये पूरी ये जितना भी एरिया है ये सब क्या है, सराउंडिंग, इसके आसपास का, और सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो क्या होगा, देखो जो ये मॉलिक्यूल्स जो टॉप सरफेस पे है ना, ये अपने आसपास की सराउंडिंग से थोड़ी बहुत हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे। मतलब इसने आसपास, मतलब अपने टॉप पे, इसके ऊपर थोड़ी गर्मी है, इसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करी, और इसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली कि अब इसे छोड़ सकता है। मतलब इसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली कि इसने अपना बॉन्ड, मतलब जो ये चिपका हुआ था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बाकियों से, उसने उसके साथ अपना रिश्ता छोड़ दिया और अलग हो गया। ये इसने बोला मैं जा रहा हूँ अपनी ज़िंदगी जीने, और ये अलग हो गया, ठीक है ना। तो ये ख़त्म हो गया ना लिक्विड में से, तो ये वेपर में बदल गया। नाउ ये वेपर बदल गया, इसने क्या करी, एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग, इसने एनर्जी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करी, इट एब्जॉर्ब्ड एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, इसने सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करी और वेपर में बदल गया। उसी तरह क्या होता है, जितने भी टॉप होते हैं वो धीरे धीरे आसपास से एनर्जी उठा के वेपर में चेंज हो जाते हैं, क्लियर है बात। तो इस तरीके से ऑपरेशन होती है, इसलिए हम इसे सरफेस फिनोमिना कहते हैं, क्योंकि देखो नीचे वाले तो सराउंडिंग से उठा नहीं सकते एनर्जी, सिर्फ टॉप लेयर वाले उठा सकते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं सरफेस फिनोमिना। ओके, क्लियर है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो चलो फिर ये आप समझ गए ऑपरेशन कैसे होता है, बहुत ही बढ़िया प्यारे बच्चों। नाउ लेट्स मूविंग ऑन। तो देखो एक और बच्चे इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये भी समझ लो कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम कभी सेंट या फिर क्या बोलते हैं, हमने पेट्रोल हाथ पे डाल लिया तो हमें बहुत ठंडा सा फील होता है, कूल। ऐसा पता है क्यों होता है, देखो जब हम सेंट लगाते हैं तो वो क्या होता है, या फिर जो ये पेट्रोल और इस तरह से मिट्टी तेल होते हैं, ये क्या होते हैं, ये बहुत ही वोलाटाइल होते हैं। तो ये हमारे हाथ पे गिरते ही हमारे हाथ से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि हमारा हाथ उनके लिए सराउंडिंग है, और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसने हमारे अंदर से एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, तो हमारे हाथ को ठंडा ठंडा महसूस होता है, समझ गए ना। इसी तरह ये एग्जाम्पल एक बहुत आता है स्कूलों में कि जो अर्थन पॉट होते हैं आपके, मतलब जो ये मिट्टी के वो होते हैं घड़े, ये पानी ठंडा कैसे करते हैं, तो थोड़ा समझ लो क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एवोपोरेशन का फिनोमिना है, ठीक है ना। तो ये देखो जो ये होता है आपका लकड़ी का, लकड़ी बोल रहा हूँ, मिट्टी का, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे छेद। तो पानी क्या होता है, अंदर से थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ आता रहता है, और ये यहाँ पे आके टॉप लेयर पे बाहर की सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके वेपर में बदल जाता है। मतलब द वॉटर कमिंग फ्रॉम द टाइनी पोर्स ऑफ द पॉट कम्स आउटसाइड एंड देन इट गेट्स इवापोरेटेड बाय टेकिंग द एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड सराउंडिंग, जिसकी वजह से ये एनर्जी यहाँ से उड़ता है तो इसे यहाँ पे ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे इसी प्रोसेस के थ्रू ये पूरा घड़ा ही ठंडा हो जाता है।
हमें पसीना भी इसलिए आता है बच्चों, हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है अपने आप को, हमें पसीना कब आता है, जब हमें गर्मी लगती है। पसीना इसलिए आता है ताकि हम लोग क्या हो सके, ठंडे हो सके। तो क्या होता है, हमारी बॉडी स्वेट को रिलीज करती है और वो बाहर से हीट एब्जॉर्ब करके वो एवोपरेट हो जाती है। तो एवोपरेट होने के लिए हमारी बॉडी से ही हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, जिसके थ्रू हम क्या होते हैं, कूल हो जाते हैं। तो पसीना आने से हमें ठंडा लगता है, क्योंकि पसीना एवोपरेट होता है तो हमें कूलिंग इफेक्ट देता है। ओके बच्चों, तो पसीना आना भी एक साइंटिफिक रीजन की वजह से है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये अर्थन पॉइंट, इसलिए बच्चों एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, देखो हमें गर्मियों में कैसे कपड़े पहनना चाहिए। गर्मियों में हमें लाइट कलर्ड क्लॉथ्स पहननी चाहिए, क्योंकि लाइट कलर्ड क्लॉथ्स क्या होती है, जैसे व्हाइट कलर, येलो कलर, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है सनलाइट को, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़ता। और हमें कॉटन के कपड़े पहनना चाहिए, क्यों, क्योंकि कॉटन हमारे अंदर की स्वेट को बहुत ईजिली एब्जॉर्ब कर लेगी, और फिर जब वो एवोपरेट होगा तो हमें कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। ओके, बहुत ही बढ़िया बच्चों, अच्छे से समझ रहे हो आप लोग। अब हम लास्ट में आपका टेम्परेचर के स्केल्स को कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। टेम्परेचर स्केल मतलब टेम्परेचर नापने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के स्केल्स हैं। तो अभी आप दो स्केल पढ़ोगे, एक है आपके पास, वैसे तीन है, वैसे चलो तीनों लिख देते हैं, एक है डिग्री सेल्सियस और एक है डिग्री फ़ारेनहाइट और एक होता है केल्विन, ठीक है ना। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। देखो बच्चों, जीरो डिग्री हमने फिक्स करके रखा है इसमें क्या, हमारा मेल्टिंग पॉइंट आइस का, जीरो डिग्री कितना, जीरो डिग्री, ओके। और 100 डिग्री हमने क्या सेट करके रखा है, अपना बॉइलिंग पॉइंट। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। उसी तरह के फ़ारेनहाइट में भी होता है, फ़ारेनहाइट में हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो मुझे याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा गायब कर देते हैं इसे, ठीक है ना। आपका शायद से सिर्फ ये दो ही हैं अभी, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आपके पास एक डिग्री सेल्सियस है, जीरो डिग्री मेल्टिंग पॉइंट होता है और 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। उसी तरह जो आपका केल्विन है, केल्विन, उसमें जीरो डिग्री सेल्सियस ना आपका 273 केल्विन के इक्वल होता है, और वहीं 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन। और उसी तरह देखो बच्चों, जो जीरो केल्विन होता है ना, वो होता है आपका -273 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखना है, देखो जीरो केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। तो जीरो प्लस अगर मैं 273 करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 273, और अगर मैं -273 में प्लस 273 करूं तो क्या मिलेगा, जीरो। तो ये जीरो यहां आ गया और ये 270, यानी कि जीरो डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के इक्वल होता है, याद रखना। और 100, अब देखो, अब जितना भी होगा, देखो अब इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपके पास बहुत पूछता है। तो जैसे कि अगर मैं एक नंबर लूं, रिलेशन समझ गए ना, जीरो डिग्री 273 केल्विन के इक्वल है और जीरो केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस के। देखो जीरो केल्विन से छोटा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं ना माइनस में टेम्परेचर -20 -30, सियाचिन में कम है -50 -60, वो सब डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में नेगेटिव नहीं होता, डिग्री में नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना। जीरो केल्विन से छोटा टेम्परेचर नहीं हो यूनिवर्स में पॉसिबल। ये सब हम पढ़ेंगे जब आप थोड़ी सी बड़ी क्लासेस में आ जाओगे, लाइक 11th में, ओके, फिर कॉलेज में। तो देखो बच्चों, इसमें कन्वर्ट करने के लिए बहुत आता है कि जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करो केल्विन में। तो देखो बच्चों, जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो ना, तो बस आप क्या कर दो, 273 ऐड कर दो, याद रख लो इसे, ठीक है ना। जब ऐसे, जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो, केल्विन नॉट केविन 11 बेंटन, ठीक है ना। जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो हम उसमें 273 जोड़ देंगे, यानी ऐड कर देंगे, ठीक है ना, हम उसमें 273 जोड़ देंगे। तो जैसे ये 25 डिग्री सेल्सियस है, तो हम क्या करेंगे, 273 25 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 298 केल्विन, यानी 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन के इक्वल होता है। कोई आपसे पूछ ले 35 डिग्री सेल्सियस, तो आप क्या करोगे, इसको केल्विन में बदलना है तो क्या करोगे, 35 प्लस 273 कर दो, मतलब वही बात है ना, 273 ऐड कर रहे हैं, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, 273 प्लस 35 करो यहाँ पे, 273 प्लस 35 या 8, 7 प्लस 3 10 का होने पर 308, तो 308 केल्विन। क्लियर बात,
यानी कि अगर डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में चेंज करना है तो हम उसमें 273 जोड़ देंगे। बहुत ही बढ़िया बच्चों। ओके, अब इसी का उल्टा, इसी का उल्टा, जब आपको केल्विन में दे रखा है, मान लो यहां पे टू, वही एग्जांपल का रिवर्स कर लेते हैं, जैसे 298 केल्विन है, इसको आपको बताना है कि डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, ठीक है। तो अब देखो, जब, अब यहां पे हम चीजें बदलेंगे, जब ये, चलो, जब केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो हम उसमें 273 घटा देंगे, क्या घटा देंगे, कम कर देंगे। तो 298 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 273, कितना बचेगा बच्चों, देख लो, यहां कर लो, 298 273, 8 में से 3 गया, कितना बचेगा, 5, 9 में से 7 गया 2, 2 में से 2 गया 0, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। मान लो यहां पे 328 केल्विन दे रखा है और आपसे पूछा है डिग्री सेल्सियस में निकालो, आप क्या करोगे, 328 माइनस 273, तो करते हैं यहां पे बच्चों, प्यारे बच्चों, 328 माइनस 273, 8 में से 3 गया 5, 2, अब यहां पे कैरी लेंगे, 12 में से 7 गया 5, बचा 55, यानी कि 55 डिग्री सेल्सियस। तो नोट डाउन कर लो, और इसी के साथ आपके इस चैप्टर में इतना ही है, पूरा का पूरा कंप्लीट, अच्छे से लॉजिकली समझ आया तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, और एक बार जो भी डाउट हो एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, और उसके बाद भी ना समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, और जो बच्चे इंस्टीट्यूट आ सकते हैं वो आ सकते हैं। देखो, जो बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ते वो भी आ सकते हैं अपना डाउट पूछने के लिए, ठीक है ना, किसी को कोई मना ही नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि ये पढ़ाई है, ठीक है ना, सबके लिए। ओके, तो आई होप कि अच्छे से क्लियर होगा। अब इसके अलावा कोई टॉपिक इसमें जहां तक मुझे याद आ रहा है कुछ मिसिंग हो, देख लेता हूं। मैंने ये भी बता दिया आपको, एटमॉस्फेरिक गैसेस को कैसे लिक्विफाई करते हैं, प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर कम करेंगे। ओके ओके, मैंने ये बता दिया कि हमें क्यों ठंडा लगता है अगर हमारे सेंट हाथ पे लगाते हैं, तो मैंने चेंज करना बता दिया आपको। अब देखो, हाँ एक चीज़ बता देता हूँ बच्चों, ये काफ़ी काम की आएगी आपकी। देखो, कभी पूछता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का क्या स्टेट होगा, तो देखो 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या, वाटर क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक है ना, क्लियर है बात। अब आपसे ये पूछता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वाटर का क्या स्टेट होगा। देखो बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड एंड पेपर भी हो सकता है, तो बोथ होगा, ये याद रखना, 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड और पेपर बोथ होगा। और उसी तरह 0 डिग्री सेल्सियस पे आप अगर पूछे वाटर क्या क्या होगा, तो आइस एंड वाटर बोथ हो सकता है, मतलब पूरा का पूरा आइस भी हो सकता है, पूरा का पूरा वाटर भी हो सकता है, और आइस और वाटर भी हो सकता है, 0 पे और 100 पे लिक्विड और वेपर हो सकता है, लेकिन इनके बीच में जितने भी हैं, जैसे 25 हो गया, 1 डिग्री या फिर 99 डिग्री सेल्सियस, तो उन पे क्या होगा, ये लिक्विड ही होगा, मतलब 1 से 99 तक, 0 पे आइस और वाटर हो सकता है और 100 पे लिक्विड और वेपर। अगर इसके ऊपर चले जाए 125 डिग्री सेल्सियस, तो पक्का क्या होगा, गारंटी से सिर्फ वेपर ही होगा, सिर्फ गैस होगा। और वहीं अगर माइनस में चले जाए, माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, तो सिर्फ ओनली ओनली आइस होगा, उसी तरह यहां पे ओनली वेपर और यहां पे ओनली लिक्विड, क्लियर है बात। मतलब 0 से कम पे सिर्फ आइस, 0 डिग्री पे आइस और वाटर दोनों हो सकता है, फिर 0 से 100, मतलब 0 से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, 0 1 से लेकर 99 तक सिर्फ और सिर्फ लिक्विड होगा वाटर स्टेट में, और 100 पे लिक्विड और वेपर दोनों होगा, और 100 से ऊपर जाके सिर्फ वेपर होगा, ठीक है बच्चों। इसी के साथ बहुत ही अच्छे से आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, फिनिश इस एक वीडियो में, और इसके अलावा आपको कहीं पे भी कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। ओके, और इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, लेकिन इसी चैप्टर में जितने, मतलब इसी वीडियो में जितने भी हमने क्वेश्चंस लॉजिकली बताए आपको, इसमें से इसी टॉपिक पे से सारे क्वेश्चन बनेंगे, एंड यू कैन डू इट। ऑल द वेरी बेस्ट, और हमारे चैनल को देखते रहिए, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे हमें भी बहुत अच्छा लगता है, और इसी तरह हम आपके लिए और वीडियोज लेके आएंगे ताकि आप अपने क्लास में टॉप कर सके, ठीक है ना। एक टॉपर माइंडसेट डेवलप करना है, टॉपर माइंडसेट हम कभी एक अलग वीडियो में बात करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें हाईएस्ट मार्क्स लेके आना है, इसका मतलब कुछ और होता है। तो चलो उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।